काफी शानदार वॉइस है डॉक्टर की। किसान भाइयों राम राम, मैं हूं दिनेश सिहाग और आप देख रहे हैं क्रेजी ट्रैक्टर। तो भाइयों आज आपके लिए लेके आए हैं करतार का 5136 प्लस और अपने साथ भाई साहब है, तो इस ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ है इस ट्रैक्टर के अंदर, क्या क्या फैसिलिटी इस ट्रैक्टर में मिलती है, वो सब अपने इसके बारे में जानेंगे। तो पहले भाई साहब आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार भाई साहब, सुलभिशन भाई का राम राम, मैं सारण ट्रैक्टर कंपनी श्री भीमानगढ़ से, करतार कंपनी की ओर से। तो ये अपना जो मॉडल है 5136 प्लस, जो क्लोजकर इंजन के अंदर आता है 50 HP के अंदर, जो इसके अंदर इंजन है वो 3120 cc का इंजन है, 3120 cc का इंजन है और 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, 50 HP के अंदर है। और भाई साहब टॉर्क कितनी होगी इसकी? इसकी 232 Nm टॉर्क है। अच्छा, बढ़िया टॉर्क है इसकी, शानदार ट्रैक्टर है देखने में भी। तो ये क्या सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है यहाँ, ये जो ये पावर कट के लिए है, जैसे अभी ऑफ कर दिया अपने स्टार्टर फ्री है अपना, तो ऑफ कर दी पावर, ऑफ होगी सारी वायरिंग की, जब इसको ऑन करेंगे जब ही स्टार्टर स्टार्ट होगा, जब ही वायरिंग के अंदर। मतलब ये एक तरह का सेफ्टी फीचर है कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह बाय चांस अगर ट्रैक्टर में हो तो उससे बचने के लिए अचानक से अगर इसको बंद करना पड़े तो आप इस, तो ये जो स्विच है इसको आप पावर को आप यहाँ से ऑफ कर देंगे तो पूरी बैटरी का कनेक्शन इससे कट हो जाएगा। जब तक ये ऑन पर रहेगा तब तक ये सारा सिस्टम जो है इसका वायर बैटरी से इसकी जुड़ी रहेगी। तो अपने फ्रंट से इसको देखते हैं। सबसे पहले तो जो बम्फर है वो काफी हैवी लग रहा है, सबसे पहले बम्फर ये दिखता है इसका सामने से। तो ये कितने, इसका वेट कितना होगा भाई साहब बम्फर का? इसका 95 kg वेट है और काफी हैवी जो है, 95 kg का बम्फर इसमें मिलता है और फ्रंट एक्सल जो है आपको एडजस्टेबल मिलता है इसके अंदर बिल्कुल। तो अपने पावर स्टेरिंग की बात करें तो भाई साहब पावर स्टेरिंग जो है ड्यूल एक्टिव पावर स्टेरिंग है? हाँ, ड्यूल एक्टिव पावर स्टेरिंग है। अच्छा, ड्यूल एक्टिव पावर स्टेरिंग है। और इसका अपने बोनेट खोल के अपने दिखाते हैं आपको, इसके अंदर इंजन देखते हैं इसका इंजन कैसा है। तो भाइयों ये है इंजन आपके सामने। तो सबसे पहले आपको दिखता है खोलते ही ड्राई एयर क्लिनर इसका। तो ड्राई एयर क्लिनर में भाई साहब ये क्या सिस्टम लगा हुआ है? ये चौक सेंसर है, जैसे अपना चौक होता है अंदर, जैसे मिट्टी ज्यादा आती तो यहाँ से पता चल जाता है ये जितना आगे जाएगा भी अपना फिल्टर इतना चौक हो गया। जो इसका रेडिएटर है वो सारा कॉपर का है, टोटली कॉपर है। अगर इसके अंदर कूलेंट ना भी हो, पानी चलाना चाहे तो भी ये चौक नहीं होता है। कॉपर की वजह से इसकी कूलिंग बहुत शानदार है, कूलिंग बहुत शानदार रहती है। आगे जाली दी हुई है भी, आगे जैसे तूड़ी के सीजन में लोग ऐसे कपड़ा मारते हैं तो जालियां बंद हो जाती है, इससे वो अंदर की जाली सेफ रहती है, इस पे कपड़ा मार सकते हैं अपने, इसको मतलब अलग निकाल करके साफ कर सकते हैं भी इसको, रेडिएटर को इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो अब इसकी पंप की बात करें तो माइक्रो का इसमें पंप लगा हुआ है। रोटरी पंप में भी आते हैं भैया ये? नहीं, रोटरी पंप में नहीं, माइक्रो माइक्रो के पंप में ही आते हैं। तो इंजन देखो भाई, 3 सिलेंडर इंजन है, किर्लोस्कर का इंजन इसके अंदर लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किर्लोस्कर कंपनी का इंजन इसमें लगा हुआ है और किर्लोस्कर के इंजन वैसे भी बढ़िया माने जाते हैं। तो भाई साहब इसकी टॉर्क वगैरह आपने बताई और इसकी पावर आपने बताई, 50 HP पावर है, और क्या खासियत है इसके इंजन की? इसके इंजन की तो जिन्होंने क्लोजकर चलाया वो जानते भी क्लोजकर में क्या खासियत होती है, क्यों क्लोजकर के इंजन का जो खर्चा है वो भी आज तक सबसे कम माना गया है यार। इंजन की जो लाइफ है वो सबसे ज्यादा क्लोजकर की मानी जाती है इसके। ये बात तो सही है कि किर्लोस्कर के इंजन की जो लाइफ होती है वो दूसरे इंजनों से बहुत बढ़िया होती है लाइफ इसकी। तो अब आपने इसके टायर्स की बात करें तो फ्रंट के टायर कितने हैं भैया? फ्रंट के 750/16 के टायर, 750/16 के फ्रंट टायर हैं। और पीछे के रियर टायर्स की अपने बात करें तो 14/9/28 के पीछे के रियर के टायर्स हैं। अब इसके अपने पीछे के हिस्से की बात करें तो भैया पीछे का जो हिस्सा है वो किस तरह का हिस्सा है इसका? इसके अंदर स्वराज टाइप हिस्सा है, लेकिन जो इसके अंदर गियर डिजाइन है वो हेलिकल के अंदर है, हेलिकल के अंदर है, प्लेनेटरी गियर के अंदर नहीं है, प्लेनेटरी गियर के अंदर नहीं है, हेलिकल के अंदर है। हेलिकल के अंदर जैसे अपनी गरारियां जैसे बुरती नहीं है, इसके अंदर लाइफ हिस्से की बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब लाइफ इसकी बढ़िया होती है दूसरे हिस्सों से, जो हेलिकल लाइफ होती है इसकी बढ़िया होती है। तो अपने लिफ्ट की अगर बात करें तो लिफ्ट कैपेसिटी कितनी है भाई साहब? लिफ्ट कैपेसिटी इसकी 1800 kg है, 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम है, एडवांस हाइड्रोलिक।
थ्री पॉइंट लिंकेज सिस्टम है, आप साफ साफ देख सकते हैं इसके अंदर, और तीन तरह की सेंसिंग इसमें आपको मिलती है। एडवांस हाइड्रोलिक लिफ्ट इसके अंदर आपको मिलती है 1800 केजी कैपेसिटी के साथ, और यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर डबल डिस्ट्रीब्यूटर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, और इस तरफ यहीं ऊपर इसका ऑक्सिलरी लीवर भी इसका यहीं दिया गया है। तो काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है, पीछे से देखने में भी आपको इसका पीछे का हिस्सा जो है पूरा चौड़ा दिखने को मिलेगा, तो शानदार ट्रैक्टर इसको आप बोल सकते हैं। पीटीओ की बात करें तो ये 50 एचपी ट्रैक्टर है, और इसके अंदर आपको 44 एचपी का जो है आपको पीटीओ मिलेगा, जो कि मल्टी स्पीड और रिवर्स पीटीओ के अंदर आपको ये ट्रैक्टर मिलता है, जो कि अच्छा फीचर है 50 एचपी ट्रैक्टर के अंदर, जो आपको ये रिवर्स पीटीओ के अंदर आपको ये ट्रैक्टर मिलता है। तो यहाँ इस तरफ अपने अगर देखें तो यहाँ आपको जो है हाइड्रोलिक पंप देखने को मिलेंगे, जो कि हाइड्रोलिक लिफ्ट है, और ये पावर स्टीयरिंग के लिए है। इस ट्रैक्टर के अंदर जो पावर स्टीयरिंग का जो ऑयल है वो भी अलग से आपको इसके अंदर मिलेगा, इस बोनेट के अंदर अलग से एक टैंकी है जिसमें पावर स्टीयरिंग का आपको ऑयल अलग से मिलेगा। और इसके बात करें ऑपरेशनल एरिया की, तो ऑपरेशनल एरिया को भी यहाँ से ढकने का प्रयास किया गया है, जो कि एक अच्छा फीचर है, ताकि जो है अगर काम करते वक्त कपड़े गंदे होने से आप बच सकते हैं इस चीज़ से। तो ट्रैक्टर में दोनों तरफ आपको यहाँ पर हीट गार्ड लगे भी मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है इस ट्रैक्टर। तो क्लच देखें तो आपने इसकी, ये जो आपको ड्यूल क्लच के अंदर मिलता है, इंडिपेंडेंट क्लच के अंदर ये ट्रैक्टर नहीं है, सेंटर गियर के अंदर है। और गियर्स की बात करें तो करतार के खुद के गियर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, जो करतार अपने ट्रैक्टर जो बनाती है उसके गियर भी खुद ही डिज़ाइन करती है। तो अब अपने ट्रैक्टर के ऊपर जाकर इसका ऑपरेशनल एरिया देखते हैं। पायदान देखें तो काफ़ी ऊंचे पायदान आपको देखने को मिलेंगे, ऊपर चढ़ने के लिए भी आपको जो है बढ़िया चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऊपर देखें तो सीट की बात करें, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, जो कि एडजस्ट हो जाएगी, तो एडजस्टेबल सीट है इसकी। सेंटर गियर के अंदर आपको ये ट्रैक्टर मिलता है। इस तरफ क्लच के बारे में आपको बता ही दिया है कि ये जो है ड्यूल क्लच के अंदर आपको। और मीटर की बात करें तो शानदार मीटर है इसका, एनालॉग मीटर है टोटल। और फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका ड्राइविंग व्यू है। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर लिफ्ट के लिंक आपको मिलेंगे, जो कि बिल्कुल पास में ड्राइवर सीट के दिए हुए हैं। इस तरफ आपको एक्सीलेटर मिल जाएगा। और अगर ट्रैक्टर के ब्रेक्स की बात करेंगे तो आपको ऑयल ब्रेक इसके अंदर मिलते हैं, तेल में डूबे हुए ब्रेक्स इसके अंदर मिलेंगे। तो आप गियर्स की बात करें तो आपको ये जो है हाइलो के अंदर ये ट्रैक्टर मिलता है, और उस तरफ आपको जो है ट्रैक्टर के गियर मिलेंगे। ये ट्रैक्टर आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर के अंदर आपको मिलता है। और इस तरफ आप देखें तो यहाँ पर न्यूट्रल सेफ्टी फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और इस तरफ देखें तो आपको पीटीओ गियर देखने को मिलेगा, जो 540 आरपीएम पर काम करता है। डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ आपको जो है लाइट के स्विच ऑफ स्विच ऑन जो है मोड आपको यहाँ पर मिलेगा। इस तरफ आपको जो है हैंड एक्सीलेटर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। स्टेयरिंग की बात करें तो काफ़ी शानदार स्टेयरिंग है इसका, और यहाँ पर आपको जो है ये नोज भी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है ये। तो इस तरफ इसके इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जो कि आपको एलईडी लाइट्स के अंदर ये मिलते हैं, जो काफ़ी शानदार आपको देखने में लगेंगे। और ये इसका फ्रंट का व्यू है, जो सामने से देखने पर ये ट्रैक्टर दिखता है। काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है देखने में करतार का। और आप सभी जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये ट्रैक्टर कैसे लगा। एक ओवरऑल रिव्यू आपको इस ट्रैक्टर का दिखाया। तो जो भाई करतार को लाइक करते हैं, और जो भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए जो व्यूअर्स जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करना भाई। और कमेंट करके बताना कि आपको ये ट्रैक्टर देखने में कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।